हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको टाइटल देखते ही मालूम हुआ होगा कि आज मेरा टॉपिक क्या होगा। मैं आज बात करने वाली हूँ कोरोना वायरस के बारे में। मैं इस वीडियो को बहुत देर से कर रही थी, करनी पड़ा क्योंकि मेरे को कल व्हाट्सएप में इतने सारे मैसेजेस, फॉरवर्डिंग मैसेजेस मिल रहा था कि एक तरफ तो मैं खुश हुई, लेकिन वो जो न्यूज़ फैल रहा है व्हाट्सएप में वो बहुत गलत है, झूठा है एक्चुअली। जैसे कि होम्योपैथी मेडिसिन है, कुछ इलाज है इसका, कुछ होम रेमेडीज़ है जो आप करेंगे तो आपको कोरोना वायरस होगा ही नहीं। तो मैंने फिर से जाके चेकआउट किया है, मीडिया पे किया है, मैंने कुछ सारे रिसर्च किया है, ऐसा कोई न्यूज़ फैला नहीं है अभी तक व्हाट्सएप के अलावा। पता नहीं कौन ऐसा मैसेजेस स्टार्ट किया है भेजने, क्योंकि ऐसा कोई मेडिसिंस है ही नहीं। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि लोगों से ऐसे बातों में मत पड़िएगा, कुछ ऐसे वैसा मत कर बैठिएगा कि वो उल्टा पड़ जाए। तो होशियार रहिएगा, ऐसे कुछ मैसेजेस अगर आपको मिलता है तो पहले चेकआउट कीजिए, उस चैनल देखे अगर ऐसा कुछ है, वो ज़रूर आपको अपडेट करेंगे ही न्यूज़ में या मीडिया नेटवर्क्स में आप देखेंगे तो अपडेट होगा ही कुछ ऐसा है तो। और कोरोना वायरस तो आप लोग देख रहे ही है, मैं अब कोरोना वायरस क्या है, ये कहाँ से आया है, आपको एक आउटलाइन दूंगी, एक सिंपल लाइन में बता दूंगी कि ये कोरोना वायरस जो है पहले ही 1960s में आया था पहले, और वो एक टाइप का वायरस था जो तब भी कुछ लोगों का मौत हुई थी। अब जाके ये कोरोना वायरस आया है, मतलब कोरोना वायरस ही नहीं था वो, कुछ अलग था वायरस, और इस टाइम जो आया है वो उसी वायरस में से एक है जो है कोरोना वायरस बताया जा रहा है। और ये बहुत ही कंटीजियस वायरस है जो बहुत आसानी से ह्यूमन टू ह्यूमन फैल जा रहा है, और दिन पे दिन इसका काउंट, जो फिटालिटी रेट है इसका, बढ़ जा रहा है। और अगर आप आज का न्यूज़ देखेंगे कितने लोगों का मौत हो चुका है और कितने लोग 20,000 से ऊपर के लोगों को ये इन्फेक्ट हो गए। तो अगर सिंपल भाषा में ये कोरोना वायरस के बारे में बताऊं तो ये चाइना में जो छोटा सा एरिया है जिसका नाम है वुहान एरिया के, एक वो बहुत ही फेमस मार्केट है, नॉनवेज का मार्केट है, जिसे नॉर्मल सा फी सी फिश सी फूड्स या एनिमल्स बिका जाता है, मतलब फ्लैश बिका जाता है, उससे भी ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स का फ्लैश बिका जाता है। तो उस एरिया से ये स्टार्ट हुआ था इफेक्ट होना, उधर के पहले दो लोग मर चुके थे, उससे उसके बाद से ये फैलना शुरू हो गया धीरे धीरे से, बहुत कुछ लोगों को ये इफेक्ट हो गया है, करीबन 20,000 लोगों को ये इफ़ेक्ट हुआ है। और अगर आप डेथ रेट देखेंगे तो 400 से ऊपर ही है। अगर आप डेली न्यूज़ देख रहे हैं तो WHO ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है, और गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रहे हैं जितना हो सकते हैं। इस ये जो वायरस है इतनी जल्दी से फैल रहा है, इतना आसानी से फैल जा रहा है कि कंटेन करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, फिर भी उनका कोशिश जारी रहा है, बहुत कुछ रिसर्चेस कर रहे हैं, वैक्सीन्स डेवलपमेंट करने के लिए बहुत कुछ रिसर्च चल रहा है, तो गवर्नमेंट अपना काम अब कर रही है। तो आपको मालूम ही होगा कि हमारा इंडिया गवर्नमेंट भी कितना कुछ कर रहा है, क्योंकि इंडिया में भी 3 केसेस रिपोर्ट हो चुका है, 3 लोग भी इन्फेक्ट हुए हैं इस कोरोना वायरस के, और वो है केरला के लोग। तो केरला की गवर्नमेंट भी बहुत बहुत होशियार से जितना भी रेमेडीज़ उनको लेना है वो होशियार से रेमेडीज़ ले रहे हैं। तो आप इंडिया में भी देखेंगे तो कितना कुछ फैसिलिटीज किया जा रहा है, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट में भी कितना चेकिंग्स चल रहा है, और केरला में भी जितने भी टेस्ट किया है सभी में बहुत कुछ लोगों को नेगेटिव ही पाया है, एंड गुड फॉर दैट। तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ है 3 लोगों के। तो रिसर्चर्स के हिसाब से देखिए, कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसका कोई वैक्सीन्स नहीं है, तो इसका ही रिसर्च अभी जारी रहा है। और कुछ रिसर्चर्स ने HIV का भी वैक्सीन्स इस्तेमाल करके रिसर्च किया जा रहा है, वो भी न्यूज़ में आपको देखने को मिला या सुनने को मिला होगा। तो
देखिए इसका सिम्टम्स क्या होता है, कोरोना वायरस का सिम्टम्स आप पहले समझ लीजिएगा, या बहुत टेंशन भी मत लीजिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस का सिम्टम्स उतना ही सिमिलर है जैसे वो नॉर्मल फ्लू का सिम्टम्स होता है, जैसे कि यू नो कफ होना या खींचे आना, ऐसे ही कोल्ड होना या फीवर जैसा आता है, तो ये नॉर्मल सिम्टम्स इस कोरोना वायरस का भी है। तो जैसे नॉर्मली आप प्रिवेंट कर रहे थे या ये कोल्ड ना हो या एक फ्लू ना फैले, जो इसका जो आप होम रेमेडीज फॉलो करते थे वैसे ही सिंपल सा होम रेमेडी आप फॉलो कीजिएगा। प्रिवेंटिव मेजर ही बेहतर होगा। तो वो आए ना आए तो हमारा केयरफुलनेस या हमारा जिम्मेदारी होता है, हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते रहे। बच्चों को, खासकर बच्चों को आप बहुत हाइजीनिकली उनको यू नो आदत करा दे कि बार बार हाथ धोए। सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर्स में जो आता है वो है पहले हैंड वॉश कराती रहेगा, बच्चों को बार बार हैंड वॉश कराते रहेगा। एक सैनिटाइजर रख लीजिएगा, स्कूल बेच रहे हैं एक सैनिटाइजर्स का, छोटे छोटे बॉटल्स आता है, छोटे छोटे डिब्बे में आते हैं, जो बैक को भी आप यू नो हैंग करके बेच सकते हो। तो ऐसा आदत करा दीजिएगा आपके बच्चों को भी, और रोज़ बच्चों को ना तुलसी का पानी पिलाते रहिएगा और बच्चों को हल्दी का दूध पिलाते रहिएगा। अगर बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा तो कुछ कोई भी बीमारी लड़ने का क्षमता यू नो या शक्ति उसमें बढ़ जाएगा। तो ये कोरोना वायरस इतनी इजी से क्यों फैलता है, ये इसलिए क्योंकि जो भी या जिसके इंसान का यू नो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है उनके शरीर में ये आसानी से घुसकर फैल जाता है और उसे यू नो बहुत ही हाई लेवल तक लेके जाता है। तो इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम को आपको बरकरार रखना पड़ेगा, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो या उससे छोटे बच्चे हो। तो प्रिवेंटिव मेजर्स आपको सबसे पहले केयर करना होगा, बड़े लोग भी ऐसे ही फॉलो करना है, बार बार हाथ धोते रहिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दूसरा चीज़ होगा, जब भी आप खींच रहे हो ऐसा आड़ा हाथ रख के खींचना आदत सी हो गई है, ये सबको सब लोग करते ही है, लेकिन इसे अब से बंद कर दीजिएगा। यही है सबसे खतरनाक यू नो जो भी हम ऐसे खांसे हाथ रख के, तो जब भी हम खांसते हैं जो लिक्विड पार्टिकल्स हमारे मुंह से निकल के आते हैं वही कारण होता है हमारा फ्लू फैलना या वायरसेस फैलना। तो जब भी आप खींच रहे हो एक कपड़ा रख लीजिएगा, एक सेपरेट कपड़ा रख लीजिएगा, पोंछिएगा और इसे डेली आप वॉश करके दूसरा कपड़ा यूज़ करते रहिएगा। बच्चों को भी यही आदत डाल दीजिएगा, जब भी खींचते हैं यू नो कपड़ा दीजिए उनका उनके साथ एक कर्चीफ दे दीजिएगा या ऐसे एक कपड़े में पिन कर दीजिएगा, यहाँ पे जैसे छोटे बच्चों को करते हैं, क्योंकि बच्चों को तो आदत नहीं है। कल तो शेकिंग करना तो हमारा आदत सी हो गई है, कोई तो किसी को भी देखिए, आपके फ्रेंड्स को देखिए, रिलेटिव्स को जब देखिए, सबसे पहले जाके आप हैंड शेक करते हैं। तो वो गलती मत करिएगा, आपसे ये कोरोना वायरस का जो यू नो वायरस है ये पूरी तरह से मिटने तक आपका जो यू नो सेफ्टी मेजर्स होना है वो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। भूल के भी हैंडशेक करना या ऐसा हाड़ा रख के खींचना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अगर वो व्यक्ति जो आप हैंडशेक करने जा रहे हैं अगर उन्होंने ज़रा देर से पहले खींचा हो या कुछ नाक से ऐसा कुछ रख रहे हो, उनको सर्दी है जुकाम है, अगर उस हाथ को आप छी रहे हैं तो आपको बड़ी आराम से वायरस या फ्लू फैलने की क्षमता हो सकता है। तो इसे आप अवॉइड करने के लिए नमस्ते बोल दीजिएगा या दूर से ही आप कुछ तो इशारा या आपके मर्जी, लेकिन सावधानी बरकरार रखना आपका जिम्मेदारी है। तो हाइजीन और इम्यूनिटी बरकरार रखना, ये दो ही तरीके होते हैं इस कोरोना वायरस से बचने का। ये हमारे खुद का मेजर्स है, ऐसा नहीं कि इसका ही ये सब करने से वायरस या फ्लू नहीं होगा। तो ये कुछ मेजर्स है जो नॉर्मली हम फॉलो करते हैं फ्लू को या कोल्ड कफ या बीमार ना पड़े, जैसा हम जो होम रेमेडीज ट्राई करते हैं नॉर्मल सा वही मेजर्स मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा करने से
तो अगर आपको फीवर आया हुआ है या कोल्ड हो रहा है, आपको कॉफ हो रहा है, बार बार फीवर आ रहा है जा रहा है, देखिए कि अगर ये नॉर्मल फ्लू है तो 2 दिन में या तीसरे दिन में तो ये कम हो ही जाएगा। अगर 4वां दिन में भी ये कम नहीं हो रहा है, होम रेमेडीज़ ये वो मत कर लेके बैठिएगा। बिना टाइम वेस्ट करे अपने डॉक्टर्स को विजिट करिए, कंसल्ट कर लीजिएगा, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसका प्रिवेंटिव मेजर्स, इसे इसका चेकअप्स क्या होता है वो सब डॉक्टर देख लेंगे। तो बिना देरी आप ऐसा कुछ क्षमता है या आई मीन आपका कुछ ऐसा डाउट आ रहा है कि आपको बार बार ऐसा हो रहा है, कोल्ड आ रहा है, फीवर आ रहा जा रहा है, तो डोंट वेस्ट द टाइम, इमिडिएटली गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। इट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट, और फैलाना में भी तो ये आपका जिम्मेदारी है। या और एक बात भी शेयर करना था, देखिए अगर आप बाहर नो किसी क्राउडेड एरिया में फिरने जा रहे हैं या क्राउडेड एरिया पे जाना पड़ रहा है, या काम ही होगा आपको, काम पे जाना पड़ेगा, स्कूल को जाना पड़ेगा, स्कूल को ड्रॉप करने के लिए जाना पड़ेगा बाहर, तो अगर आप क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हो या नहीं भी जा रहे हो, क्योंकि ये इंडिया तक कोरोना वायरस पहुँच गया है, तो सावधानी बरकरार रखने के लिए आप बाहर जाने के टाइम में मास्क ज़रूर पहनिएगा। अब अगर आप ज़रूर इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं कोरोना वायरस का, आपको तो मालूम होगा ही, क्योंकि मास्क का कमी बहुत जगहों पे हो रहा है, मास्क मिल रहे ही नहीं हैं। तो ऐसे के टाइम में आप एज एन एडवांस्ड मास्क ज़रूर खरीद के रखिएगा, आपके ही नहीं बल्कि आपके पूरे फैमिली को भी खरीद के, एज एन एडवांस सेफ्टी मेजर्स आप खरीद के रख लीजिएगा। अगर आप कोई क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं, क्राउडेड एरियाज में जा रहे हैं, तो ज़रूर मास्क पहन के ही जाइएगा, ये मेरा आपके सजेशन हो। अगर मैं नॉनवेज की बात करूं, जो नॉन वेजिटेरियंस है, देखिए गवर्नमेंट ने अभी तक या आज तक ऐसा कोई बैन वैन का न्यूज़ नहीं सुनाए हैं कि नॉनवेज नहीं खाना है, बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। तो अगर फिलहाल इंडिया में तो वो केरला में जो 3 लोग इन्फेक्टेड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उधर के लोगों का, जितने भी लोगों का टेस्ट किया है, उतने लोगों का भी रिपोर्ट्स या रिजल्ट्स नेगेटिव पाया जा रहा है। तो टेंशन लेने की यहाँ कोई बात नहीं है, आप आराम से नॉनवेज खा सकते हो, लेकिन जो भी आप बच्चे को दे रहे हो या खा रहे हो, अच्छे से कुक करके उसे खा लीजिएगा, जब ताकि वो कंप्लीट तरीके से कुक होके आपको आराम से डाइजेस्ट होने जैसा आप पका के खा लीजिएगा। तो उतने ही है नॉनवेज के बारे में, लीजिएगा कि बार बार आप हाथ धुलाते रहिएगा, जब भी बच्चे को ज़रा सा भी खांसी हो रहा है, आपको लगता है, तो हैंड कर्चीफ और सैनिटाइजर्स आपके बच्चे के साथ या आपके साथ भी रख लीजिएगा। अगर आपको भी कोल्ड हो रहा है तो आप भी मास्क पहना के रख लीजिएगा। तो यही सेफ्टी मेजर्स हम फॉलो कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कोरोना वायरस का भी कोई इलाज या मेडिसिन नहीं है, तो सेफ्टी मेजर्स एक ही हमारा मदद कर सकती है अभी फिलहाल के लिए। तो दोस्तों ये मेरा सजेशंस था, और जितने भी मैंने रिसर्च किया हुआ है, टेलीविजन पे हो, मीडिया सोशल नेटवर्क्स में भी हो, तो जितने भी मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर किया है, मैंने सब आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा हुआ होगा, और आपके जितने भी क्वेश्चंस होगा ज़रूर कमेंट सेशन में कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उनको आंसर कर दूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।